आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेंसिव एडुकेयर आईपीओ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक एसएमई आईपीओ, एक और एसएमई आईपीओ मार्केट के अंदर आ चुका है और इस आईपीओ की डिटेल्स जानने वाले हैं इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं वो जानेंगे, इस आईपीओ के लिए मार्केट प्रीमियम कितनी रहने वाली है। हालांकि आईपीओ जो है ऑलरेडी ओपन हो चुका है 30 दिसंबर को, तो इस आईपीओ की सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या रहने वाला है वो भी हम जानेंगे, और साथ ही साथ आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका इसके ऊपर क्या रिव्यू है, उनका इस पर क्या कहना है, वो भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। एक छोटी सी वीडियो के अंदर काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं, तो अगर आपको दी गई वीडियो अच्छी लगती है, मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो लाइक करके मोटिवेट करिए, जल्दी से जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना वीडियो में आगे मत बढ़िएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक्सेंसिव एडुकेयर लिमिटेड कंपनी करती क्या है। जैसे कि इसके नाम में यहां पर एडुकेयर लिखा हुआ है, एडुकेयर मतलब एजुकेशन से रिलेटेड कंपनी है। बेसिकली क्या करती है, एक स्किल डेवलपमेंट कंपनी है जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और एजुकेशनल कंसल्टिंग प्रोवाइड करती है। क्या होता है इसका मतलब वो मैं बता देता हूँ। वोकेशनल ट्रेनिंग होती है दोस्तों, किसी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए एक स्किल दी जाती है, उसको पूरा पूरा एक कोर्स होता है, वो कंप्लीट दिया जाता है, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग बोला जाता है, किसी पर्टिकुलर स्किल को सिखाने के लिए। एजुकेशनल कंसल्टिंग का मतलब होता है दोस्तों कि किस तरीके से पढ़ाया जाए, किस तरीके से आपको जो है करिकुलम दिया जाए, उसको एजुकेशनल कंसल्टिंग बोला जाता है। ये कंपनी सिर्फ खुद नहीं पढ़ाती है, ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिली हुई है, कोलैबोरेशन इन्होंने की हुई है, और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज के साथ भी इसके एसोसिएशन हैं, जिससे कि काफी सारे अलग अलग टाइप के कोर्सेज जो इसने लॉन्च किए हुए हैं। ये जो कंपनी है ये एक ऐसा पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां की स्किल डेवलपमेंट की जाए, वो भी ग्रास रूट से, मतलब ग्रास रूट का कहने का मतलब है बिल्कुल जड़ों से उसको सिखाया जाता है, बिल्कुल जो वर्कफोर्स ऑफ इंडिया है, मतलब कि अब काफी सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसके अंदर जो मजदूर हैं वो सिर्फ देख के सीखते हैं, मतलब कि उनको पता होता है कि ये काम ऐसे होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, मान के चलिए कि आपने हमेशा देखा होगा कि लकड़ी के काफी सारे हमारे पास टॉयज वगैरह देखे जाते हैं, तो अब उन टॉयज को बनाने के लिए कोई स्किल की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ देख लेते हैं, मतलब कोई बड़ा व्यक्ति अगर बना रहा है तो उसको वो 5 से 10 दिन देखेंगे और फिर को रेप्लिकेट करेंगे। बट स्किल डेवलपमेंट वहां काम आती है, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर होगा या फिर कुछ मशीनरी को ऑपरेट करना होगा, तो वहां पर एक कंप्लीट वर्कफोर्स होती है, उसको सिखाया जाता है, और ये जो कंपनी है वो पर्टिकुलर कोर्सेज के साथ ही सिखाती है। अब इतना ही नहीं, ये जो कंपनी है वो NSDC के साथ एक्रेडिटेड है और NSFQ कंप्लाइंट भी अपने कोर्सेज के अंदर जो है ऐड करके रखती है ये। तो ये जो कंपनी है इसके पास काफी अलग अलग टाइप की जो है स्किल सेट्स प्रोवाइड करती है, और वोकेशनल के साथ साथ ये हार्डवेयर हो गया, नेटवर्किंग हो गया, मैनेजमेंट प्रोग्राम्स भी चलाती है कोलकाता के अंदर, और इसके साथ साथ ये आपको स्किल सेट्स, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के जो कोर्सेज होते हैं वो भी प्रोवाइड करेगी, स्किल सेट्स मतलब कोई पर्टिकुलर छोटी स्किल सिखाएगी आपको, और वर्कशॉप्स भी स्टार्ट करवाती है। वर्कशॉप्स होती है, इसमें लाइव आप किसी मशीनरी के ऊपर हैंड ऑन प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई मशीन अगर आपको चलानी सीखनी है तो चला सकते हो। अब बात करते हैं कि इस कंपनी के प्रमोटर्स कौन है। तो सबसे पहले जो कंपनी के प्रमोटर्स का नाम आता है मिस्टर अभिजीत चटर्जी, सियानी चटर्जी हमारे यहाँ पे दूसरे प्रमोटर्स हैं, तो दो ही प्रमोटर्स का नाम यहाँ पर दिया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों सारी की सारी वैल्यू जो है वो रुपीज में है, लेकिन मिलियंस में है, मतलब कि अगर 82 बोल रहा हूं तो यहां पर वो 82 मिलियंस है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो 82.24 मिलियन एसेट्स थे इनके पास, टोटल इतने रुपीस के एसेट्स थे इनके पास 2019 के अंदर मार्च में, और एक साल बाद अगर देखा जाए तो ये इंक्रीज हो गए 106 मिलियन हो गए, फिर एक साल बाद अगर दोबारा देखा जाए तो ये 123.45 मिलियन हो चुके हैं। अब बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की, कंपनी कितना पैसा कमा रही है। तो इसके अंदर हम देखा जाए तो 91.83 मिलियन रुपीस यहां पर कंपनी ने कमाए थे 2019 में, और एक अच्छा खासा इंक्रीज आपको देखने को मिल सकता है। आप 21 में अगर देखते हैं तो आपको 102.73 मिलियन रुपीस यहां पर कंपनी के पास आए हैं। अगर हम इसी क्वार्टर की बात करें, जो मतलब जून 2021 के अंदर आया है जो क्वार्टरली रिजल्ट्स, उसके अकॉर्डिंग टोटल असेट्स कंपनी के पास 140 मिलियन हम कह सकते हैं, टोटल रेवेन्यू 32 मिलियन के आसपास आया था, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओनली यहाँ पर 1 मिलियन रहा है। अगर मैं आपको प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट की बात करूँ, तो देख सकते हो आप कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ 2019 के अंदर ये हुआ था 28 लाख रुपये का, उसके बाद में जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ ये 43 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ इनको यहाँ पर मार्च 20 में, और उसके बाद में 44 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ 2021 में। यहाँ पर कोई ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिला है, बट उसके बाद आप 21 के अंदर यहाँ पर ओनली एंड ओनली यहाँ पर अभी तक इनके पास 10 लाख रुपए का जो है प्रॉफिट हुआ, या फिर 10,09,000 आप इसको बोल सकते हो। तो इस तरीके से कंपनी के फाइनेंशियल चल रहे हैं, जिसको कि अप टू द लाइन नहीं बोला जा रहा है, बहुत बेहतरीन फाइनेंशियल इसको नहीं कह सकते, नॉर्मल फाइनेंशियल चल रहे हैं कंपनी के। अभी बात करते हैं कि कंपनी के अंदर जो आईपीओ आ रहा है उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। सबसे पहले तो बात करते हैं इस आईपीओ की ओपनिंग डेट, जो कि ऑलरेडी 30 दिसंबर को ओपन हो चुका है। अगर
अगर क्लोजिंग की डेट की बात की जाए तो 4 जनवरी की क्लोज होगा ये आईपीओ, और अभी तक अपने पास 2 दिन का समय यहाँ पर है, क्योंकि कल जो है वो 3rd of January है, और उसके बाद में 4 जनवरी तक लास्ट डेट आपके पास मिल जाती है। अलॉटमेंट 7th January को होगी, इसी दिन आपको आपका जो रिफंड भी है वो 10 जनवरी के आसपास मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा, और जो शेयर्स हैं वो आपके 11th January को क्रेडिट हो जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में। एसएमई आईपीओ होने के कारण इसमें थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, तो प्लीज़ उस बात को आप यहाँ पर थोड़ा सा मान के चलिए यहाँ पर कि थोड़ा डिले इसमें ऑब्वियस है। आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो 12 जनवरी है, ये आगे पीछे नहीं होगी, आईपीओ की लिस्टिंग डेट हमेशा सेम रहती है। अब हम बात कर लेते हैं एक आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले एक फिक्स वैल्यू जो है ये आईपीओ रखा गया है, जिसका कि प्राइस यहाँ पर 26 रुपीज पर शेयर रखा है, जिसमें 4000 यहाँ पर शेयर रखे गए हैं। मिनिमम और मैक्सिमम कोई व्यक्ति इतने ही रुपए के अंदर या फिर इतने ही शेयर्स में अप्लाई कर सकता है, जिसके अंदर कि उसको 1,04,000 रुपये यहाँ पर ब्लॉक करने पड़ेंगे मिनिमम मैक्सिमम। ये जो आईपीओ है वो बीएससी एसएमई में लिस्ट होने वाला है दोस्तों, ना कि एनएससी एसएमई में। अगर आपको नहीं पता एसएमई आईपीओ क्या होते हैं, बीएससी एसएमई क्या होता है, एनएससी एसएमई क्या होता है, तो आई बटन भी दी गई बेहतरीन वीडियो है, उसको जरूर चेकआउट कीजिए, आपके जो सारे के सारे डाउट्स हैं वो डेफिनेटली उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के इश्यू साइज की। तो ये जो आईपीओ है पूरा का पूरा 2.26 करोड़ रुपीस का ही आईपीओ है, काफी छोटा आईपीओ देखा जा रहा है, और इसीलिए इस आईपीओ की जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अवेलेबल नहीं है। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं क्यों नहीं है, क्योंकि इतना छोटा आईपीओ है दोस्तों, आप इमेजिन कर कीजिए किसी एक इंडिविजुअल आदमी के पास भी 2.26 करोड़ रुपीस हो सकते हैं इजिली, तो वो इसको इतनी इजिली मैनिपुलेट कर सकता है ग्रे मार्केट में, तो इसलिए इसके अंदर जो है प्रीमियम नहीं दी जाती ग्रे मार्केट की। फिर भी यहाँ पर सब्जेक्ट टू डेट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी तक वो भी अवेलेबल नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ जिस वेबसाइट के ऊपर डाटा अवेलेबल होता है, वो फ्रेश इशू है पूरा का पूरा, यहाँ पर कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। तो आप देख सकते हैं पूरा के पूरा 2.26 करोड़ जो है वो कंपनी में ही यूज होने वाले हैं, कोई ऑफर फॉर सेल नहीं दिया गया है। अब सब्सक्रिप्शन स्टेटस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी इस आईपीओ को जो है वो 1 दिन हो चुका है ओपन हुए, और इसके अंदर एचएनआई कैटेगरी ने 0.71 टाइम्स सब्सक्राइब कर दिया है, रिटेल कैटेगरी में 1.11 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब आईपीओ ऑलरेडी हो चुका है। अब आप आई होप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि ये आईपीओ इतना ज्यादा ओवरसब्सक्राइब क्यों हुआ है, क्योंकि इतना छोटा अमाउंट यहां पर है, ये देखिए 2.26 करोड़ अमाउंट है टोटल, जिसमें से ओनली एंड ओनली 1 लाख रुपीस तो सिर्फ एक ही इन्वेस्टर दे देगा। इमेजिन कर पा रहे हो, 2.26 करोड़ रुपीस की टोटल यहाँ पर आईपीओ आ रहा है, जिसमें से 1 लाख रुपए तो सिर्फ एक इन्वेस्टर ही दे रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना छोटा यहाँ पर है। यहाँ पर ओनली जो देखा जाए तो 200 से 300 ही यहाँ पर एप्लीकेशन आएंगी, तो वो बहुत ही ज्यादा इजीली ओवर सब्सक्राइब आईपीओ हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेन बात आती है इस आईपीओ का रजिस्ट्रार, तो इस आईपीओ जो रजिस्ट्रार है वो लिंकिन टाइम प्राइवेट लिमिटेड रखा गया है। अब बात करते हैं कि इसके बड़े इन्वेस्टर्स का इसके ऊपर क्या कहना है, मतलब इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है इस आईपीओ की चेक करवा देता हूँ। आप देख सकते हो एसएमई आईपीओ जो लाइव जो डेट है वो 2nd January को, आप देखिए यहाँ पर जो हमारा एसेंसिव एडुकेयर लिमिटेड है इसकी 2nd January को नील चल रही है, मतलब नहीं चालू हुई है अभी तक। बाकी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है, बट यहाँ पर अभी तक जो है नहीं चालू हुई है इसकी। जो मेन यहाँ पर देख सकते हो आप जो रजिस्टर्ड जो ऑफिस है वो हुगली वेस्ट बंगाल के अंदर दी गई है इस कंपनी की, तो ये भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज हमको यहाँ से देखने को मिल गई। अब इसी के साथ हम आ जाते हैं हमारे फाइनल चीज के ऊपर जो कि है रिव्यूज़। तो रिव्यूज़ अगर देखा जाए तो इस आईपीओ के ऊपर ओनली एंड ओनली दिलीप जी का यहाँ पर कहना है कि अवॉइड, मतलब इस आईपीओ में आप अप्लाई मत कीजिए। अब किसको अवॉइड करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए वो यहाँ पर एक डिटेल रिव्यू में आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर कमी बताऊंगा सबसे पहले मैं कंपनी में क्या है। सबसे बड़ी कमी तो इस कंपनी की है कि इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो अप टू द मार्क नहीं है। दूसरी बात, ये जो कंपनी है बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, यहाँ पर बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कॉम्पिटिशन चल रहा है स्किल डेवलपमेंट वाले कोर्सेज में। आप खुद मुझे बताइए यूट्यूब लिख के देखिए स्किल डेवलपमेंट, आपको हजारों से लाखों कोर्सेज मिल जाएंगे, नॉट ओनली ऑन यूट्यूब, बहुत सारी ऐसी ऐसी हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, पैसे दे के भी मिल जाएंगे, और बहुत सारे मतलब इतने ज्यादा वो चालू हो चुके हैं आज के डेट में। तो ये काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव मार्केट में ये कदम रख चुकी है कंपनी, और साथ साथ इससे बेहतरीन कंपनीज ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में जो कि इससे अच्छा काम यहाँ पर कर रही है। और अगर लॉन्गर जेस्टेशन, मतलब अगर इसको लंबी दूरी में देखा जाए तो इसको जो है एसएमई एक्सचेंज होता है वहां से इसको बोर्ड में आने में काफी समय लगने वाला है, इतना आसान नहीं रहने वाला है इसके लिए, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। और अगर हम देखा जाए तो इसका जो रेवेन्यू है और जो इसके प्रॉफिट है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर ओनली एक लिमिटेड हमको इंक्रीज देखने को मिला है जो कि इसके लिए काफी ज्यादा कम बात यहाँ पर हो जाती है। दूसरी बात, काफी ज्यादा हैवीली प्राइस्ड आईपीओ है, तो यहाँ पर इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि देयर इज नो हार्म इन इग्नोरिंग दिस अग्रेसिवली प्राइस्ड आईपीओ, यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं है अगर आप इस हैवीली प्राइस्ड आईपीओ को यहाँ पर इग्नोर कर देते हो, इसको छोड़ देते हो। माना कि यहाँ पर वीवो कोलैबोरेशन आईपीओ ने बहुत बेहतरीन फायदा दिया है, इसका मतलब ये नहीं
नहीं है कि सारे का सारे आईपीओ ही ताबड़तोड़ रहने वाले हैं। मैंने वीवो कैलिब्रेशन आईपीओ के रिव्यू में भी यह बात बोली थी, उसका काफी ज्यादा यूनिक वर्किंग मॉडल है। यहां पर जो है यूनिक वर्किंग मॉडल तो नहीं है और साथ ही साथ कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है मार्केट में कि काफी ज्यादा इसको यहां पर हिंड्रेंस झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरा पर्सनल रिव्यू यह है कि इस आईपीओ को आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, बट फिर भी अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है, आप चाहते हैं रिस्क लेना, आपको आपके पास अपनी अलग रिसर्च है, तो प्लीज गो अहेड विद दिस। इसको आप एक टिप मत मानिएगा, इसको एक रिसर्च मानिए जो मैंने की है, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रखा है। आई होप आपको ये जो वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगती है, अगर लगती है तो प्लीज लाइक करके मोटिवेट कीजिए यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।